निर्तार के नाम से परिचित स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आपका स्वागत है। इस संस्थान का शुभारंभ 1975 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स ट्रेनिंग और तत्पश्चात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स ट्रेनिंग हुआ था, जो कालांतर में स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च अथवा एसवी निर्तार के नाम में परिवर्तित हुआ। ओडिशा के कटक जिले के ओलटपुर गांव में स्थापित यह संस्थान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वयंशासी संस्थान है। पिछले 45 वर्षों से यह संस्थान दिव्यांगों के लिए सेवा तथा पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ मानव संसाधन विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लगभग 17 एकड़ जमीन में फैले इस संस्थान का प्राकृतिक सौंदर्य यहां उपचार के लिए देश के कोने कोने से आ रहे मरीजों को एक उत्तम स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रदान करता है। मरीजों को व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार के चिकित्सा की आवश्यकता है यह तय करने के लिए यहाँ के आउटडोर पेशेंट्स क्लिनिक में ऑर्थोपेडिक सर्जनों के साथ साथ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनलों की एक टीम द्वारा रोजाना लगभग 200 मरीजों की जांच की जाती है। इसके अलावा इस संस्थान में फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरापी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एक पुस्तकालय तथा सूचना केंद्र जैसे 8 प्रमुख विभाग हैं। यहाँ मुख्यतः जन्मजात विकलांगता, चोट तथा संक्रमण के कारण हुई विकलांगता, सेरेब्रल पाल्सी, अर्थराइटिस, मस्तिष्क आघात, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कुष्ठ रोग, अंग छेदन, ट्यूमर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पोलियोमाइलिटिस, हैंसन्स डिजीज, बर्न कॉन्ट्रैक्चर, पैराप्लेजिक, हेमिप्लेजिक्स आदि के मरीज आते हैं। यहाँ सी आर्म, एनेस्थेटिक उपकरणों, डिजिटल एक्सरे तथा कंप्यूटराइज्ड पैथलैब जैसी सुविधाओं से लैस 2 आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटरों में रिहैबिलिटेशन तथा कंस्ट्रक्टिव सर्जरियां की जाती हैं। दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंगों तथा अन्य सहायक उपकरणों की विशेष डिजाइनें प्रस्तुत करना तथा उनका विकास करना यहां का प्रारंभिक कार्य रहा है। इस विभाग में आधुनिक उपकरणों से सजी 3 क्लिनिकल लेबोरेटरीज के साथ साथ कृत्रिम अंगों के ऑटोमेटेड फैब्रिकेशन के लिए अत्याधुनिक 7-axis CAD-CAM रोबोटिक सिस्टम उपलब्ध है। हर वर्ष देश के कोने कोने से आ रहे हजारों मरीजों को यहां स्थित एक अत्याधुनिक फिजियोथेरापी सेटअप यह सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जिनमें अनेक फिजिकल मींस, इलेक्ट्रिकल मॉडलिटीज तथा हाइड्रोथेरापी द्वारा मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर, कार्डियोपल्मोनरी, स्ट्रोक, पेडियाटिक्स, जेरियाटिक्स, स्पोर्ट्स तथा फिटनेस, ऑब्स्टेट्रिक्स तथा गायनेकोलॉजिकल परिस्थितियों में चिकित्सा तथा रिहैबिलिटेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जनरल ऑक्यूपेशनल थेरापी, पेडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरापी, हैंड थेरापी, स्प्लिंटिंग तथा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरापी जैसी ऑक्यूपेशनल थेरापी सेवाएं फंक्शनल लिमिटेशन को सीमित करने तथा दैनंदिन जीवन की गतिविधियों में स्वावलंबन लाने में सहायक हो रही हैं। यह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के लिए उत्तम उपाय है। भाषा के माध्यम से वाक शक्ति तथा श्रवण शक्ति का विकास बौद्धिक अक्षमताओं का एक अभिन्न अंग है। यह विभाग मरीजों को उपयुक्त श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने के साथ साथ मरीजों तथा उनके स्वजनों को दैनंदिन जीवन तथा घर चलाने की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करता है। इन सब के अतिरिक्त
साइकोलॉजिकल काउंसलिंग समस्त रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसका लक्ष्य मरीज तथा मरीज के परिवारजनों को आगे के जीवन के लिए शिक्षित कर उन्हें उचित सलाह देना होता है। दिव्यांग मरीजों के उपचार के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने की तालीम देने के लिए यहाँ सिलाई कढ़ाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग आदि जैसी व्यावसायिक तालीम भी दी जाती है। मानव संसाधन विकास संस्थान का प्राथमिक लक्ष्य है। इसकी भारी मांग को नजर में रखते हुए एसवी निर्तार, फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी तथा प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स और डीएनबी इन पीएमआर शाखाओं के लिए उत्कल विश्वविद्यालय के अधीन अल्पावधि तथा दीर्घावधि स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहा है। अच्छी पुस्तकों में ऊंचा ज्ञान समाया होता है। अच्छी पुस्तकों, पत्रिकाओं, मल्टीमीडिया, ई लाइब्रेरी तथा अन्य कम्युनिकेटिव मीडिया का एक बड़ा संग्रह इस संस्थान में मौजूद है। यहाँ एक पुस्तकालय तथा सूचना केंद्र है, जहाँ आज 8000 से अधिक पुस्तकों तथा 8000 पत्रिकाओं का संग्रह उपलब्ध है। संस्थान में स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट तथा लैन से संयुक्त कंप्यूटर लैब है। इसके अलावा प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स के विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक कैड केम सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन सबके बावजूद अनेक दिव्यांगों तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए अनेक अंदरूनी इलाकों और आदिवासी जिलों में पुनर्वास शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग से इस संस्थान द्वारा विभिन्न स्थलों पर क्लब फुट और अन्य रिहैबिलिटेशन सर्जिकल कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है, जिससे वहां के मरीजों को उपचार सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ साथ स्थानीय अस्पताल के कर्मचारियों को इस चिकित्सा की तालीम प्राप्त हो सके। भारत सरकार के उपक्रम के तहत संस्थान द्वारा ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 9 जिला डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर तथा गुवाहाटी और रांची में एक एक कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की गई है। एसवी निर्तार ने सर्जिकल करेक्शन के क्षेत्र में इलिसा रोग तथा जेईएसएस जैसी तकनीक, उपचार पद्धति, नए नए रिहैबिलिटेशन एड्स तथा इक्विपमेंट्स को विकसित किया है। यहाँ विकसित की गई मल्टीपर्पस ऑर्थोसिस तकनीक को 1993 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत सरकार के एसएनटी मिशन के तहत इस संस्थान के द्वारा विकसित मॉड्यूलर बिलोनी प्रोस्थेसिस को 2002 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लोकार्पित किया गया था तथा एलिंको द्वारा बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया गया है। हाल ही में वर्ष 2018 में सेरेब्रल पाल्सी के मरीजों के लिए संस्थान द्वारा एक नई डिजाइन में तैयार की गई कुर्सी को दिव्यांगों के लिए प्रयास का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलन संबंधित अक्षमता के क्षेत्र में नए उपकरण प्रस्तुत करने में एसवी नितार ने प्रारंभिक दिनों से ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। पिछले 45 वर्षों के अनुभव से यह कहा जा सकता है कि पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मसम्मान से भरा जीवन देने में यह संस्थान सबसे आगे रहा है। लाखों दिव्यांगजनों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उन्हें मानवीय मर्यादा तथा आत्म गरिमा के साथ जीने का अधिकार देने के लिए एसवी निर्तार सदैव समर्पित रहा है और आगे भी रहेगा।